अभी ना दूरो, मुझे नहीं पता था। बस ठीक थे, बस मेरी कदर नहीं करते थे, मेरा सांस नहीं करते थे, मैं जो कहती थी मेरा नहीं सुनते थे, मैं किसको कहती भी जिसको भी कहती थी सब इग्नोर कर देते थे मुझे। मैं अंदर अंदर बस फिर मैं इससे बात कर लेती थी, अब मुझे पता था मैं कभी ऐसे ना करने देती। एक नंबर याद था, अब तो वो भी भूल गया है। अब क्यों भूल गया यार, तो हर चीज अब तो सारा कुछ से निकाल दिया। मैं आपकी दोस्ती थी आप? जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब मेरी उनके साथ दोस्ती थी। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। इस वक्त मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खावन का किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया, कितने बच्चे हैं इसके, क्यों किया, तो इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, मरियम कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? 11 साल। 11 साल, कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितनी एज के हैं बच्चे? एक मेरा बेटा 9 साल का, 1 7 साल का, 1 3.5 साल का। तो आपकी शादी जब हुई है तो इससे पहले आपकी दोस्ती थी? हाँ जी। तो फिर शादी क्यों की आपने? घर वालों की मर्जी इस पे कही थी। जब आपका दिल नहीं था, आपको नहीं था शादी करने का, दोस्ती भी चल रही थी, तो आप कह सकते थे मैंने नहीं करनी। कहा था मैंने, सबको कहा था लेकिन कोई नहीं माना था। कितना अरसा आपने जो है ना अपनी अजवाजी ज़िंदगी गुजारी, मतलब कितना अरसा हो गया आपको शादी अपने शोहर के साथ रहते हुए? 11 साल। तो इन 11 सालों में आपको ये नहीं हुआ कि अब जाके ये वाला जो कदम उठाया है, शोहर आपका अच्छा था जी, तो फिर आपने ये चीज़ क्यों की? बस मुझसे गलती हो गई, मैंने पता ही नहीं चला। कौन से ख्वाब सुना आपको जो है सुनहरे ख्वाब दिखाए थे? क्या नाम है उसका जिसके साथ मिलके ये वाकया सारा किया है कत्ल का? शान। शान, शान ने आपको कौन से सुनहरे ख्वाब दिखाए थे? क्या करता है वो? नेट का काम। नेट का काम करता है। आपकी उसके शादी के बाद भी उसके मुलाकातें होती थी, बात होती थी? मुलाकातें नहीं इतनी होती थी लेकिन बात करती थी। बात करती थी? हाँ। कितने से कितने बजे तक आप बातें करती थी? चलो मुलाकात नहीं तो बात कितनी देर तक करती? 1 घंटा या 2 घंटा तक, ज़्यादा नहीं करती थी। ज़्यादा नहीं करती थी। आपके शोहर को पता था आप किसी से बातें करती हैं? जी पता था। तो इस बात पे कभी आपकी नाराज़गी, कभी लड़ाई हुई? नहीं। आप क्या बहाने लगाती थी, ये आपकी दोस्त है कोई इस तरह? हाँ जी। जब आपको सारी खुली छुट्टी थी कि आप बातें भी करती थी, मैसेजेस पे बात भी करती थी, आपके शोर को पता भी नहीं, तो फिर ये ऐसा मामला क्यों किया, ऐसा वाकया क्यों पेश आया? मुझे नहीं पता। ये शान ने आपको उकसाया इस चीज़ पे? कत्ल का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था, उनका कत्ल हो जाएगा। क्या प्लानिंग क्या थी वैसे, शान के साथ आपने शादी करनी थी, शान को क्या क्या किस लिए बातें करती थी आप? नहीं, शादी नहीं करनी थी मैंने उसके साथ। तो फिर क्यों ताल्लुक रखा हुआ? ऐसी बात कर लेती थी। तो ये कत्ल कैसे करवाया, किस तरह करवाया, कुछ बताती हो? जब कत्ल हुआ आपके शोहर का तो आप कहाँ थी? घर थी अपनी ससुराल में। अच्छा। मैं काम कर रही थी जब इनका कत्ल हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से इनको नाश्ता बना के दिया, चाय बना के दी। पता था ना आज आपका ये आपके साथ आखिरी मुलाकात है? नहीं नहीं, उस दिन आपकी शान के साथ बात हुई थी जिस दिन उसका कत्ल हुआ था? कत्ल होने से पहले बात हुई थी। अच्छा, क्या बात हुई? ये बात हुई थी कि मैं आपकी गली में आया हुआ हूँ, उधर उसका कहीं दफ्तर था, तो मैंने कहा ठीक है मैं
ये क्या फिर काम करने लग गई। उसके बाद जब घर की बैल हुई फिर पता चला मेरे मियाँ का कत्ल हो गया। जहाँ आपके मियाँ काम करते थे शान को पता था वहाँ का? मुझे लग तो पता था। आपको लगता है कि पक्का पता था? आपने जाहिर आपने बताया होगा। नहीं मैंने नहीं बताया था। आपने ही बताया? नहीं मैंने नहीं बताया था। शान से भी क्या बातें होती थी आपकी? यही मैं बस घरेलू बातें करती थी और जो पहली जिंदगी गुजारी हुई थी कभी कभी वो बातें बच्चों की यादें आती थी शेयर कर लेती। कितना अरसा आपकी शादी वो जो है शान के साथ दोस्ती रही? शादी के बाद? शादी से पहले भी शादी के बाद तक कितना अरसा आपकी दोस्ती थी? जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब मेरी उनके साथ दोस्ती थी। स्कूल लाइफ की दोस्ती? हाँ जी तीन साल रही उनके साथ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 5-6 साल बाद मैंने मैसेज किया था। अच्छा सबसे पहले फिर आपने ही मैसेज किया? हाँ जी। आपके पास नंबर था उसका? हाँ जी एक नंबर याद था। अब तो वो भी भूल गया है। अब वो क्यों भूल गए? याद तो हर चीज़ अब तो सारा कुछ से निकाल दिया मैं। तो शान के साथ मिलके ये सारा मामला हुआ? ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने उसको मारना है। मुझे पता था मैं कभी ऐसे ना करने देती। शान ने अपने दोस्त के साथ मिलके ये किया है? आपको सारा कुछ बताया था इस चीज़ का कि नहीं? नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम था। जिस दिन कत्ल हो गया जिस टाइम कत्ल हुआ आपके साथ बात हुई शान की? नहीं उस दिन नहीं बात हुई मेरे साथ। सुबह हुई थी और कत्ल के बाद नहीं बात हुई। आपको कोई मैसेज भी नहीं आया? नहीं कोई मैसेज नहीं आया। आपके फ़ोन से तो पता चल रहा है कि आपके साथ मैसेज पे बात होती रही है। फिर आपने आपको जब रिकॉर्ड नहीं किया उस पर आया है कि ओके कुछ हो गया कुछ इस टाइप के कुछ चीज़? जी बस यही एक दफ़ा कॉल की थी उसने। तब मुझे नहीं पता था कि उनका मर्डर हो गया हुआ है। अच्छा। तो फिर ओके का वो कॉल आई उन्होंने ओके कहा तो मैं फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन कितनी दफ़ा ट्राई किया उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। और जब थोड़ी देर के बाद पता चला ओके क्यों? आपके साथ कोई मामला चल रहा था कोई ऐसी बात चल रही थी जिसने ओके किया? बस उसने ये किया वो ओके किया वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कॉल की दोबारा लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं की। ओके का मैसेज तो तब आता जब आपने कोई मैसेज छोड़ा हो या मुझे कॉल पे कहा था उन्होंने। कॉल पे? हाँ जी कॉल पे कहा था। बस इतनी बात हुई ओके? हाँ जी ओके। तो आपको पता चल गया? नहीं मुझे नहीं मेरा मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि किस वजह से ओके का। आपने शान के साथ शादी करनी थी? ये तो आप कह रही है ना नहीं करनी थी। शान के साथ क्यों बात रखी? आपके हस्बैंड आप कह रही हैं आप बात भी करती थी मैसेजेस पे बात भी होती थी लेकिन आपके हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं इन चीज़ों का। आपके तो हस्बैंड फिर इसका मतलब बहुत अच्छे थे? ठीक थे बस मेरी कदर नहीं करते थे मेरा सांस नहीं करते थे। मैं जो कहती थी मेरा नहीं सुनते थे। मैं किसको कहती भी जिसको भी कहती थी सब इग्नोर कर देते थे मुझे। मैं अंदर अंदर बस फिर मैं इससे बात कर लेती थी। मतलब उस वक्त आपको लगता था कि शान आपका दुख दर्द समझता है दुख जो सुनता है फिर आपके इखराजात भी वो पूरे करता था कोई शान? मुझे जब जरूरत होती थी मैं उससे मांग लेती थी। किस हक से मांगती थी? हाँ जी किस हक से मांगती थी? उसकी पुरानी दोस्त जो थी वो मुझे दे देता था। आपको पता था कि आपकी जरूरत वो पूरी करेगा आपको शोहर जो नहीं कर रहा? हाँ जी। अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ मतलब अपने बच्चों के बच्चों से दूर रह के? अपने शोहर तो खैर रहा नहीं है कैसा फील कर रही है? बहुत बुरा। आप उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने यानी कि शादीशुदा हैं बच्चों वाली हैं लेकिन फिर भी वो जो है ना अब दूसरे लोगों के साथ दूसरे मर्दों के मतलब समझती हैं वो सहारा है हमारा क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी मैं उनको जैसे भी हैं शोर मारते हैं जैसे भी हैं अगर बच्चे हैं अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ दफना दें। इस वक्त आपको ये सोच अपने सारा कुछ करने से पहले भी ना दूर हो मुझे नहीं पता था।
बस। जी नाज़रीन, आपने इनका मैसेज भी सुन लिया, लेकिन अब क्या फ़ायदा, ना शोहर रहा ना वो चीज़ें रहीं, अब वो जो शान है जिसके बलबोते पे इसने सारा ये चीज़ें उठाई, ये सारा कुछ किया, वो भी सलाखों के पीछे है, और वो कोई इतना बड़ा काम भी नहीं करता, या तो हो ना कि उसने बड़े इसको लारे लगाए हो, बहुत कोई पता नहीं क्यों इंसान जो है इश्क में अंधा हो जाता है कि उसको अपने रिश्तों की पासदारी नहीं रहती, उसको पता ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। खैर, आपको क्या लगता है इसके साथ क्या किया जाए, क्या होना चाहिए इसके साथ, अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।